हेलो एवरीवन, सो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि वेरीफाई बैच कैसे लगाओगे, मतलब ट्रूकॉलर की तरफ से जो वेरीफाई बैच है ब्लूटूथ मिलता है उसको कैसे आपके मोबाइल नंबर पे लगाओगे उसके बारे में बताऊंगा। सो उसके लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना क्योंकि डिटेल्स में बताऊंगा कुछ ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे या ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो आपको दो दिन के अंदर ही वेरीफाई बैच या ब्लूटूथ मिल जाएगा। सो उसके लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। सो इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ट्रूकॉलर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ट्रूकॉलर को ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में थ्री लाइन देखने के मिल जाएगा, तो थ्री लाइन पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर पेंसिल का आइकन देखने मिल जाएगा, तो यहाँ पर ओके करना है, मतलब आपका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका जो है वो लिख देना है, और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर देना है, और यहाँ पर आप अगर आपका और एक नंबर है वो भी दे सकते हो, यहाँ पर सेकेंड नंबर दे सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है, उसके बाद आपका बर्थ डेट देना है, उसके बाद आपका जेंडर देना है। सो यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद आपको सेव करना है, ठीक है। सो यहाँ पर फेसबुक और गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो फेसबुक पे अगर आप ओके करोगे तो फेसबुक में जो नेम है जो डीपी है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी सेटअप करना नहीं पड़ेगा। सो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीपी आ गया, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर पेंसिल आइकन पे ओके करना है, डीपी का जो ऑप्शन है। तो यहाँ पर पेंसिल आइकन पे ओके करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे जाके आपका जो डीपी आपका जो फोटो है वो फोटो यहाँ पर ऐड करना है डीपी पे, ठीक है। डीपी पे ऐड करने के बाद यहाँ पर नेम टेम सब कुछ सही हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर तो सब कुछ सेव हो गया, तो यहाँ पर आपका जो नेम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका, मतलब यहाँ पर जो नेम आपने दिया उस नेम पे किसी और फ्रेंड के पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए, मतलब आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर किसी का भी फ़ोन लेके आपका जो नेम है, मतलब यहाँ पर आपने जो नेम दिया वही नेम देना है, ठीक है। सो बहुत सारे क्या करते हैं, मतलब एडिट में जाके फेसबुक से कनेक्ट कर लेते हैं, और फेसबुक में उसका अलग नेम होता है और ऐसे रियल नेम उसका अलग होता है, मतलब उसका जो कॉन्टेक्ट जिसके पास सेव होता है वो उसको अलग नाम से पहचानते हैं और उसका फेसबुक का नेम अलग है। ऐसा करने से नहीं होता है, क्या होता है कि जब ट्रूकॉलर को लगता है कि आपका जो नेम है वो ओरिजिनल है सही है, मतलब यहाँ पर जो नेम आप दोगे अगर उस नेम पे किसी और के पास भी आप अगर आपका नंबर सेव होगा और उसके साथ अगर बात करोगे कभी चैट करोगे यहाँ पर ट्रूकॉलर में, तो ट्रूकॉलर को लगता है कि ये जेन्युइन बंदे है, इसका नेम रियल है, इसीलिए मतलब उसको वेरीफाई बैच दे देगा या ब्लूटिक दे देगा। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रूकॉलर लिखना है, ठीक है। ट्रूकॉलर.com आपको लिखना है, आप ट्रूकॉलर.com लिखोगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट है उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऐसा कुछ मतलब वेबसाइट पे आप आ जाओगे ट्रूकॉलर के, फिर जो भी नंबर पे आप वेरीफाई बैच लेना चाहते हो तो उस नंबर को यहाँ पर आपको देना है, फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल से आपको पहले लॉगिन कर लेना है इस वेबसाइट में, ठीक है। सो लॉगिन करने के बाद आपका जो नंबर है उस नंबर पे वेरीफाई बैच है या नहीं आपको यहाँ पर ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरीफाई बैच नहीं दिखा रहा है, अगर आपका ऑलरेडी होगा तो यहाँ पर वेरीफाई बैच भी दिखाएगा। सो यहाँ पर वेरीफाई बैच नहीं है, आपको लेना है तो क्या करना है, आपको नीचे आपको सजेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सजेस्ट पर आपका जो नेम है वो डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको दो दिन वेट करना है, दो दिन वेट करने के बाद आपका जो वेरीफाई बैच है आपको मिल जाएगा। सो ऐसे आप अपना जो वेरीफाई बैच है वो ले सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो देने एक लाइक और चैनल को जरूर से कर देने सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल रहेगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देने। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।